वो कहते हैं ना, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो यार मतलब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी आप काम करो वो इतने दिल लगा के करो कि यार उस मुकाम में, मतलब भले वो कोई भी चीज हो, छोटी सी छोटी चीज हो, लेकिन आप एक दिन जरूर बड़े बनोगे। आज आपको मैं ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा देख के ही। कल्याण का सबसे फेमस और मशहूर ये मिसल पाव है, तो यार आपको भी मजा आएगा। मतलब वो बोलते ना तरी, बोलते उसको तरी, रेड रेड वाली। सोचा था अपने जो है गोप्रो लेके जाऊँ, लेकिन गोप्रो लेके जाने का कोई सेंस नहीं। मतलब पता चला कि यार ये बारिश, देखो बारिश गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा ये पता नहीं है, कब गिरेगा जरूर। तो बेटर यही है कि हम लोग जो है कैमरे लेके जाते, तो बारिश बंद हो गई तो अभी निकलते फटाफट। सर सुशी दे दोगा मिसल पाव खाना? चलो अब हम जा रहे हैं गांधी चौक, जो कल्याण के तिलक चौक के आजू बाजू में आता है। मतलब सबसे बड़ा लैंडमार्क है सुबेदरवाड़ा स्कूल। अब कल्याण में आके किसी को भी पूछो सुबेदरवाड़ा स्कूल किधर है, कोई भी बता देगा। और उसके आजू बाजू में आपने किसी को भी पूछ दिया यहाँ पे सबसे फेमस मिसल, नाम तो दूर की बात है, इतना भी बोल दिया ना भाई मिसल किधर मिलती है, आपको एक ही जगह पे बोल देंगे भाई इधर ही मिलती है। ये जो है सुबेदरवाड़ा, जैसे मैंने आपको कहा था, उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो है इनकी मिसल पाव ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बढ़िया कल्याण की बेस्ट जगह। तो आज हम जो आए हरी विठला पांडुरंगा, ये जो मिसल खाने के लिए यहाँ पे आए, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी अच्छी मिसल मिलती है ना आपको। काका हरी विठला, हरी विठला पांडुरंगा। दस साल हो गए मुझे खाने, 10 वर्ष चले, क्या बात है। मैं कल बाइक लेकर तब से आ रहा हूँ। सही है। तो सर आपका नाम? सिद्धार्थ। आप कब से आ रहे हो? 5-7 वर्ष से बस, ऑलमोस्ट 5 वर्ष। तो देखा आपने, 10 साल 5 साल, मतलब एक ना वो हैबिट हो जाता है, अगर आपको किसी का टेस्ट पसंद है तो आप उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। एक देव दो टिकट कमी। लहान पानापासून या मिसळची टेस्ट घेते, खूप लहान असताना मी ते यायचो, शाळेत असताना आम्ही यायचो, आम्ही हायस्कूल शाळेत होतो तेव्हा आमचं 2006 साली आमची बॅच होती, तेव्हापासून आम्ही येतो। आज 2021 आलं, यापुढे आम्ही कंटिन्युअसली येत जाऊ, खूप चांगली टेस्ट आहे। दणदणीत तिखट मिसळ हवी असेल तर हरिहोटेलाच्या असं पर्याय नाही। इतना कुछ सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि अंकल से बात कर लूँ, अंकल थोड़े से बिजी है, जैसे अंकल फ्री हो जाएंगे अंकल की भी जो है मुलाकात करेंगे कि कितना जो है टाइम से ये कर रहे। इतना सब कुछ दिखाने के बाद अंकल से बात करना तो बनता है, क्योंकि अंकल थोड़ा अभी बिजी है तो वो आ जाएंगे। क्योंकि ये इतना स्ट्रगल दिखाना, मतलब ये अभी तक मतलब 20-25 सालों से ये कर रहे हैं काम, तो सब लोग से अच्छे से बात करना, सुबह जल्दी उठना, और एक बात, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप यहाँ पे आके खा सकते हो। इतने सालों से जो है खाते आ रहे हैं और उनके जो है बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहा था ये सर, ये जो बचपन से खा रहे हैं, बाकी की स्टोरी है। आता मी माझ्या मुलांना इथे घेऊन येतो मिसळ खायला, ही जुनी मिसळ आहे विठ्ठलांची। विठ्ठलाच्या मिसळचं वैशिष्ट्य, त्यामध्ये मटकी जे लागणारे घटक मिसळला ते तर आहेच, पण विषय म्हणजे विठ्ठलाचं नाव आहे। आज विठ्ठल जरी मिसळ विकत असले तर त्यांचा मुलगा सी ए, म्हणजे ही अभिमानाची गोष्ट आहे, त्यांचा मुलगा सी ए, त्यांना गरज नाही आहे, पण एक परंपरा टिकवावी म्हणून ते कार्य करत आहे। एक और अच्छी बात पता चली है कि यहाँ पे नासिक से जो है लोग आए, इन्होंने जो है गूगल मैप पे डाला था फेमस मिसल, तो यहाँ का सीधा लोकेशन दिखा दिया, ये भाई साहब आए नासिक से। भाई क्या डाला था? बेस्ट मिसल इन कल्याण। बेस्ट मिसल इन कल्याण, तो इसीलिए यही लोकेशन दिखाया आपको। जैसे आप मिसल खाते हो उसके बाद आपको चाहिए छाछ, जो कि यहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ पे हरी विठ्ठल पांडुरंगा मिसल करीबन 10 ईयर्स से खा रही हूँ, और यहाँ पे मैं हफ्ते में 3 से 4 बार मैं यहाँ पे खाती हूँ, आप देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी, जैसे आपको मीडियम चाहिए, तीखा चाहिए, और स्पेशली यहाँ की छाछ, टाप जिसे हम मराठी में बोलते हैं, हम गुजराती में इसे छाछ बोलते हैं, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो गांधी चौक में। तो यहाँ पे जो है अंकल फ्री हो गए, तो अंकल से बात करते हैं, जानते हैं इस पूरे मिसल पाव की स्टोरी। नमस्कार, मी
1997 पासून मिसळ पावचा सुरुवात केली आणि त्या टायमाला इकडे सुभेदार वाड्याचे चाळ्यामध्ये मुलं मिसळ खायला यायचे. त्यांनी माझा उत्साह वाढवला, ज्याच्यामुळे मग मी पुढे पुढे चालत गेलो. आज 20 वर्षानंतर पण ते मुलं माझ्याकडे खायला येतात, मला त्याचा फार आनंद आहे. गिराक लोकांना जशी चव पाहिजे तशी चव द्यायची, कोण बोलतो तिखट दे तर तिखट द्यायची, तो कोण बोलते मटकी टाक मटकी टाकायची, कोण बोलते वटाणा टाक वटाणा टाकायची. एक नामदेव एक साईबाबा हे दोनं मुलं लहानपणापासून माझ्याकडे काम करतात आणि त्यांच्या सपोर्टिंगनी मी आज इथपर्यंत टिकलेलो आहे. तिखट नको करू दादा. गरम है गरम. ये सारी बातें तो हो गई. यहाँ पे अगर आपको आना है तो कल्याण में आपको महात्मा गांधी चौक और ये मेन लैंडमार्क है सुभेदार वाड़ा. लेकिन वो भी छोड़ दो, गूगल पे आप सर्च करेंगे बेस्ट मिसल इन कल्याण तो आपको गूगल ही यहाँ पे लाके छोड़ देगा, मतलब इतना फेमस है. कल्याण में नहीं, ये पूरे थाना की सबसे बढ़िया मिसल है. आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, तीखा जिनको पसंद है उनको तीखा मिलेगा. सबसे बढ़िया मिसल है, जरूर आना और एंजॉय करना. तो कैसी लगी आपको ये मस्त वाली एकदम झंझनीत वाली, मुझे मराठी में बोलता झंझनीत मिसल. आप लोगों में से कितने जितने भी लोगों ने ये मिसल खाई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि जो भी लोग अगर जाके खाना चाहे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर हो जाएगा. बाकी सब बढ़िया, ये वीडियो यहीं तक रखते. अगर ये मिसल आपको देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. मिलते अगले ब्लॉग में.